हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सरलीकरण के कुछ प्रश्नों को करेंगे और यहाँ पर मेरे पास 6 प्रश्न हैं सरलीकरण के, एक एक करके उन सारे प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा आप देख रहे हैं, दिया है अंडर रूट सेवन अनंत तक दिया है। इस प्रकार का प्रश्न बहुत सरल होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, उठा के आँख बंद करके लिख दीजिए अंडर सेवन, यही इसका आंसर होगा, सेवन इसका आंसर होगा। दोस्तों अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों आपको अंडर रूट सेवन। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये अनंत तक नहीं दिया है। दोस्तों पहले प्रश्न में यहाँ पर ये देखिए अनंत तक दिया था, परंतु यहाँ पर ये प्रश्न में अनंत तक नहीं दिया है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे हम, ये अंडर रूट कितनी बार दिया है, 1, 2 और 3 बार। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 7 और यहाँ पर नीचे लिखेंगे 8 और 8 से एक कम ऊपर 7 लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों एक बार फिर से समझिए, अंडर रूट कितनी बार दिया था, 3 बार। तो 2 की पावर 3 लिखा, उसका मान कितना आया, 8, उससे एक कम ऊपर अंश में लेंगे और नीचे हर में ये ही 8 का 8 लेंगे। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है अंडर रूट सेवेंटी टू, ये अनंत तक दिया है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आपको गुणनखंड करने आने चाहिए। अब 72 के हम ऐसे गुणनखंड करें जिनका अंतर एक हो, यानी इस टाइप के गुणनखंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप के, यानी इनका इनको घटाने पर एक प्राप्त हो। तो अब 72 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, 9 और 8, 9, 8, 72। 9 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 72, और 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम बड़ा वाला लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 9। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है, ये भी प्रश्न इसी के जैसे सेम, अंडर रूट सेवेंटी टू के जैसे ही ये भी प्रश्न। इसमें दिया है अंडर रूट ट्वेंटी माइनस अंडर रूट ट्वेंटी। अब अंडर रूट ट्वेंटी के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर एक हो। तो यहाँ पर क्या गुणनखंड होंगे दोस्तों, 5 और 4। अब इनको घटा के देखेंगे इनका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस था, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर माइनस है। तो माइनस में हम लेंगे दोस्तों छोटा वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं जिनमें गुणनखंड नहीं हो सकते। 19 के हम गुणनखंड नहीं कर सकते, तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र क्या होगा, √4n+1, ये अंडर रूट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर अगर दोस्तों प्लस है तो यहाँ पर +1/2। अब यहाँ पर दोस्तों n का मान क्या होगा, n का मान 19 होगा, 19, ठीक है। अब ये मान हम इसमें रख देंगे 4.2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा √77+1/2। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं, आखिरी प्रश्न है, √7 - √7 - √7। दोस्तों 7 के भी हम गुणनखंड नहीं कर सकते, तो उसमें को करने के लिए भी हमको सूत्र लगाना पड़ेगा, 4n+1। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस था तो हमने +1 लिया था, अब यहाँ पर माइनस है तो -1 लेंगे, √2। अब n का मान हम रख देंगे, n का मान कितना होगा, 7। इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ये आएगा √29 - 1/2।
दोस्तों, उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे कैसे करना है। धन्यवाद दोस्तों।